सीएए के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एक वीडियो सामने आया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने सरजील इमाम नाम के एक व्यक्ति का ये वीडियो जारी किया है। संबित पात्रा ने कहा है कि ये वीडियो जिहाद का आह्वान है। उन्होंने कहा कि आखिर ये लोग क्यों चाहते हैं कि भारत की सेना असम नहीं पहुंचे, ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने की साजिश है। बीजेपी ने शाहीन बाग को तौहीन बाग की संज्ञा दी है। सरजील इमाम के इस देश विरोधी वीडियो को ट्विटर पर शेयर करने के तुरंत बाद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां भी वीडियो जारी किया। संबित पात्रा ने कहा, जिस प्रकार की बातें शाहीन बाग में हो रही हैं, उसे दिशाहीन बाग कहना चाहिए। दिशाहीन बाग क्या, तौहीन बाग कहना चाहिए। संबित पात्रा ने कहा कि हिंदुस्तान की स्वतंत्रता को तौहीन के रूप देखता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए यहां साजिश रची जा रही है। संबित पात्रा ने कहा कि इस भाषण में जिस तरह की देशद्रोह की बातें की गई हैं, वो चिंताजनक हैं। संबित पात्रा ने कहा कि इस वीडियो में कहा गया है कि असम को इंडिया से काटने की जिम्मेदारी हमारी है। संबित पात्रा ने कहा, शाहीन बाग और शाहीन बाग में जो सोच है, उस सोच की जिम्मेदारी है कि किस प्रकार भारत को टुकड़े टुकड़े करके बांटना है और असम और पूर्वोत्तर को पूरी तरह से नॉर्थ इंडिया से अलग कर देना है। संबित पात्रा ने कहा कि ये किस तरह की साजिश है, ये पूरी तरह से इंडिया को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। संबित पात्रा ने कहा कि ये खुले तौर पर जिहाद का आह्वान है और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आखिर ये लोग क्यों चाहते हैं कि देश की सेना असम नहीं पहुंचे। पहले देखिए देश विरोधी सरजील इमाम का वीडियो। डाले पटरियों पर, रोड पे उनको हटाने नहीं कोई ना लगे, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए। हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1-2 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर, रोड पे उनको हटाने नहीं कोई ना लगे, ठीक है नहीं, जाए एयरफोर्स से। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन टाइम में लोग डाले जा रहे हैं, है ना, और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहा है 6-8 महीने, पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत। इस वीडियो पर असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग प्रदर्शन का मुख्य आयोजनकर्ता कह रहा है कि असम को पूरे भारत से काटकर अलग कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस बयान का संज्ञान लिया है और इस मामले में केस दर्ज करवाने जा रही है। सरजील इमाम जेएनयू का छात्र बताया जा रहा है, जिसमें वो पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की बात कह रहा है। भाजपा का दावा है कि यह वीडियो शाहीन बाग में दिए भाषण का है। सरजील कह रहा है कि 5 लाख लोगों को एक इस आंदोलन में लगाना है, भले ही 1 महीने के लिए, लेकिन असम को देश से अलग कर देना है, सेना भी वहां नहीं पहुंचना चाहिए। इस वीडियो के सामने आने और वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया के साथ शाहीन बाग में जो हुआ उसके बाद ये तय हो गया है कि शाहीन बाग में आंदोलन के नाम पर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। इधर शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में लिखा है कि भारत में रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों को देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।